सबको नमस्कार। टेलीग्राम पे CUET 2022 PG का बहुत सारे क्वेश्चन आपने पूछे थे, तो मैंने सारे कलेक्ट कर लिया और मैंने सोचा कि ये FAQ बनाया जाए जहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन को आंसर दिया जाए ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो एक एक करके हम क्वेश्चन के आंसर देंगे, मैंने लिस्ट आउट कर लिया है। तो पूछा गया है कि लास्ट डेट कब है। देखो, लास्ट डेट जो है वो आप जानते हो कि 18 जून तक है, लेकिन एक ट्विस्ट है इधर कि 5 PM तक है, 12 AM तक नहीं, मतलब शाम 5 बजे तक ही आप इसको फॉर्म फिलअप कर पाओगे, उससे आगे आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। जनरली क्या होता है कि 12 AM तक होता है, लेकिन अभी इधर 5 PM तक है 18 जून का। सेकेंड जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कोड आई कैन चूज इन ए सिंगल टाइम विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट। मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट कोड आप चूज कर सकते हो, उससे अगर एक ज़्यादा लोगे तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हो तो आप 3 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 800। लेकिन अगर आप 4 चूज कर लिए, मतलब एक आपने एक्स्ट्रा किए, तो उसके लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 200 रुपये। तो ऐसे करके और एक एक्स्ट्रा लोगे तो और एक 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव रिटन रॉन्ग यूनिवर्सिटी नेम, कैन आई करेक्ट इट। आपने अगर फॉर्म फिलअप करते हुए आपका नाम या फिर आपका एड्रेस या फिर आपका यूनिवर्सिटी नेम, आपका मार्कशीट में कितना मार्क्स आया था, वो अगर आपने गलत लिखे हो तो उसको आसानी से आप उसे करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हैव चूजन रॉन्ग कोड, कैन आई करेक्ट इट। अगर आपने कोई रॉन्ग कोड सिलेक्ट किए हो तो उसको भी आप आसानी से उधर करेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। देखो, एलिजिबल का क्राइटेरिया जब लिखा गया है CUET का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उधर लिखा गया है कि इधर 50+ यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया है CUET में। तो आप किसी भी एग्जाम में क्रैक किए हो तो 50+ यूनिवर्सिटी में आपका जाने का चांस है। सो इस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अलग है। किसी एक यूनिवर्सिटी में ICAR एक्रेडिटेशन चाह रहा है, तो किसी एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ UGC एक्रेडिटेशन ही चलेगा। तो इसलिए आप जिस यूनिवर्सिटी में हिस्सा लेना चाहते हो, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो PG में, तो उस यूनिवर्सिटी का खुद का जो ऑफिशियल लिंक है उधर जाके आप देख लीजिए कि क्या क्राइटेरिया वहाँ पर वो चाह रहा है। आप देख सकते हो कि PGQP 78 का जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो इधर देख सकते हैं कि मैंने मान लिया कि एग्रीकल्चरल साइंस में मैंने फॉर्म फिलअप किया है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हो कि डिग्री विथ क्रेडिट बेस्ड कोर्स प्रोग्राम अंडर द गाइडलाइंस ऑफ ICAR, मतलब अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन, तो आपके पास ICAR एक्रेडिटेशन होना ही चाहिए। लेकिन वही में अगर आप देख सकते हो कि PGQP 33 जो कोड है, उसमें मैं मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ और मेरा जो प्रेफरेंस यूनिवर्सिटी है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, तो उधर आप क्राइटेरिया में देख सकते हो कि डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी किसी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड है और वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी UGC का अंडर में है, तो आप इसमें हिस्सा ले सकते हो। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि उसका क्राइटेरिया कितना है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो तो उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप आसानी से देख सकते हो कि उस यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मुझे लगता है कि मैं इस पॉइंट को क्लियर कर पाया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करेक्शन दे विल चार्ज एक्स्ट्रा फी। नो, करेक्शन के लिए क्यों आपको आपसे एक्स्ट्रा फी लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि मेरा यूनिवर्सिटी में अभी तक लास्ट सेमेस्टर का CGPA स्कोर नहीं दिया गया है, तो मैं कौन सा CGPA पुट करूँ। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया। तो मैं अगर होता तो मैं लास्ट सेमेस्टर का जो CGPA है या OGPA है, लास्ट सेमेस्टर तक जब तक आपका दिया गया है वही से पुट कर देता। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो उधर जाके आप रेस कर सकते हो कि ये देखिए मेरा जो फाइनल OGPA है वो सबमिट हुआ था बहुत देर बाद, इसलिए मैंने जो उस समय का जो लास्ट सेमेस्टर था उसका मैंने OGPA पुट किया था। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा। तो यही था CUET PG 2020 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछे थे। इससे भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन डेली अपडेट चाहिए तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप सारे जो क्वेरी से आप देख सकते हो। बहुत सारे ये भी मुझे पूछा था कि कैसे हम इसका प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जहाँ पर आप डेली एग्रीकल्चर या फिर जनरल अवेयरनेस का क्विज आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे दे दिया है। और भी अगर आप किसी बुक का प्रेफरेंस लेना चाहते हो तो वो है निमरा सुंदा,
मैंने निमरा सुंदा का जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज़ है उसको मैंने बना दिया है, तो आप उसे भी डेली चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा प्रिपरेशन ले सकते हो। तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त का भी क्वेश्चन, कुछ डाउट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।